हाय, दिस इज सिमी और आप देख रहे हैं सैटरडे विद सिमी। सैटरडे विद सिमी में आज के हमारे खास मेहमान हैं राजीव कपूर जी। राजीव कपूर जी एमडी हैं स्टीलबर्ड हेलमेट्स के और बहुत ही एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, सिंगर, क्या क्या बताऊं मैं उनके बारे में। चलिए ले चलते हैं आपको उनसे मिलवाने के लिए, आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं राजीव जी अपना दिन शुरू करते हैं बाय प्रेइंग टू गॉड, द गॉड ऑलमाइटी हु इज गिवन हिम ऑल द स्ट्रेंथ एंड पावर टू बी सो सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस एंड अदरवाइज इन हिज लाइफ। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गॉड की क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। गॉड हैज व्हाट स्ट्रेंथ गॉड हैज गिवन यू? गॉड हैज गिवन मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए तो मेरे भगवान मेरे डैडी मम्मी है। तो राजीव जी से बातचीत जारी करते हुए हम अब उनसे जानेंगे कि उनका स्टील बर्ड हेलमेट्स का जो सफर रहा है वो कैसा रहा है और कैसे उन्होंने शुरू किया। राजीव जी, एज वी ऑल नो कि 1960s में आपके फादर सुभाष कपूर जी ने ये कंपनी शुरू की थी विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल एंड यू हैव टेकन इट टू अ ट्रेमेंडस हाइट्स। व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? द मोटिवेशन बिहाइंड इट वाज माय फादर ओनली। जो मेरे फादर हैं वही मेरे से मेरे लिए इट्स फॉर मोटिवेशन है। मैं बचपन में जब भी कोई काम करता था तो वो मेरी तारीफ करते थे, मैं मोटिवेट हो जाता था। आज तक उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, जस्ट ही मोटिवेट, कीप्स ऑन मोटिवेट, हो वेरी गुड। तो बस उनको दिखाने के लिए आई वॉज कीप ऑन वर्किंग। सो देन आफ्टर स्कूल एंड ऑल आई डिसाइडेड के चलो बिजनेस में बूम करते हैं। MBA तो होती रहेगी, करते रहेंगे, दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट लेट्स बूम द बिजनेस। तो फिर मैं फौरन 12th के एग्जाम्स खत्म करके मैं फैक्ट्री आ गया था सेम डे। तो आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस विद स्टडीज। Awesome. So started doing business with studies. How exciting it is to hear all about. I really wanted to know, you know. Yes, we went to Italy for a collaboration with BFA and he was number one company of the world. But उसके पास लाइन लगी होती तो बात करने का टाइम नहीं होता था। तो फिर हम वहाँ गए तो we have signed our agreement with him. Then we has opened our own office in Italy. We are known as a king of buckle in Italy. Like when I go to exhibitions or I go to Italy or Europe, they all call me king of buckle because all helmet industry is using our products. We don't only produce helmets, we produce 2000 engineering products which we export worldwide. जब मैं छोटा था बिजनेस में आया तो मैं देखता था हेलमेट में तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा बिल्कुल। तो मैं डैडी को कहता था सारे लोग सेकेंड का मटेरियल मिक्स कर रहे हैं, उनका हेलमेट टूट जाता है पर वो पैसे कमा रहे हैं और हम हेलमेट में पैसे कमाते नहीं हैं। बिकॉज वी प्रोड्यूस 2000 आर्टिकल्स, तो चलो एक प्रोडक्ट में नहीं बच रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहा हम क्यों ना ऐसा कर दें? कहते थे ऐसा कर, हेलमेट बनाना ही बंद कर दे। मैं कहा क्या मतलब? कह रहे जब लोगों को समझ आ जाएगी कि अच्छा ही हेलमेट पहनना चाहिए तो बनाना शुरू कर दियो, पर किसी की जान से नहीं खेलना। That's great. So, घटिया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ना ही कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनीबडीज लाइफ। देयर हेलमेट्स आर एंड आई हैव हर्ड दैट यू हैव, व्हाट्स योर मोस्ट एक्सपेंसिव हेलमेट? लाइक हाउ मच इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव हेलमेट? वी हैव अ कार्बन फाइबर हेलमेट्स जिससे एरोप्लेन बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनते हैं, फरारी कार्स में यूज होते हैं। सो दैट हेलमेट्स वी ऑल्सो प्रोड्यूस, दैट इज कॉस्टिंग 15,000 रुपीज। वी हैव नाउ 4 ब्रांड्स। वन इज स्टीलबर्ड एयर which has a air ventilation system. Then we have a professional series that is Aries. Okay. Now we are launching a helmet Ignite which is at top of the line. Okay. We start from approximately 900 rupees. Okay. And goes up to 15,000 rupees as on date. Awesome. So how does that feel? Pride of India. It's a big achievement, isn't it? Yes, absolutely, because we have done a lot for helmet industry. You cannot imagine that I was doing testing for other helmet companies because I don't feel that they are our competitors. I treat everybody as a friend. अब हम इनसे थोड़ा जानेंगे इनके एंटरटेनमेंट के बारे में, तो पूछते हैं इनसे एंटरटेनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस कि क्या है ये स्टीलबर्ड एंटरटेनमेंट? नो, स्टीलबर्ड एंटरटेनमेंट इज डूइंग फैंटास्टिक। वी आर लॉन्चिंग 100 सॉन्ग्स इन नेक्स्ट 4 months. आई myself इज लॉन्चिंग माई ओन सॉन्ग्स, प्लस वी आर प्रमोटिंग अपकमिंग आर्टिस्ट। इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बट उसको पहचानना, उसको ढूंढना एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो वी आर फाइंडिंग दोस टैलेंट्स। सो आई मीन यू आल्सो अ गुड सिंगर, सो वुड यू लाइक टू सिंग सम फॉर अस? लेट अस हियर यू सिंग फॉर माय वाइफ। ओके, परफेक्ट। ओके, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, अरे जानू मेरी जान।
अरे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। और आप स्टीलबर्ट्स कुछ अवार्ड्स भी करते हैं क्या? यस वी डू एवरी ईयर स्टीलबर्ट अवार्ड्स एंड या तो वो बॉलीवुड ऐसे अवार्ड्स करता है या हम करते हैं। पार्टी लास्ट फॉर 14 आवर्स। वाओ। या इट वाज ऑसम। कोई अपनी सीट से उठता नहीं है, एवरीबॉडी बंद के रहता है, बहुत मजा आता है, इट्स फैंटास्टिक। लेकिन फॉर नाउ आई रियली एंजॉयड मीटिंग विद राजीव कपूर। लाइक आई सेड अ वंडरफुल सक्सेसफुल entrepreneur, singer, businessman, क्या कहूँ, human being, par excellence. I really enjoyed meeting with you. Thank you so much for letting me come into your house and getting to know about you. It's a pleasure. It's a pleasure meeting you too. Well, this is Simi signing off. Until next time, we bring you somebody more exciting and more fun. So keep watching Saturday with Simi. See ya. Bye.